वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करने वाले हैं एडजस्टेबल नलिंग टूल का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखिए, हमने एक स्क्रू क्रिएट किया है जो दोनों जॉ को एडजस्ट करेगा। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक 2D ड्राइंग क्रिएट किया है। इसमें देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू में हमने सारे डायमेंशन अप्लाई किए। तो यहाँ पर जो देखिए, बीच वाला जो कॉलर वाली साइज है उसका डायमीटर 16 mm, फिर यहाँ पर ये छोटे वाला डायमीटर है इसका डायमीटर 8 mm अप्लाई किया है। इसकी लेंथ रहेगी 18 mm और इसकी 25 mm, और फिर यहाँ पर 107 mm इसकी लेंथ है, जिसमें थ्रेड की लेंथ 68 mm और 12x1.75 इसके थ्रेड अप्लाई किए हैं। फिर यहाँ पर एक होल किया है 3 mm का, जिसका डिस्टेंस इस कॉलर से 5.25 है। तो इसका ड्राइंग, इस ड्राइंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहां पर सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर आपको क्या करना है, यहां पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन लाइन सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर देखिए, एक ऑप्शन है मिड पॉइंट लाइन, इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहां पर ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रैग करेंगे। अगर आपकी लाइन एडजस्ट नहीं है तो इसकी सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल कर देना है, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 150 mm। अब फिर से यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है हमें। देखिए, इस तरह से हमें स्केच ड्रॉ करना है। अब यहां पर इसकी, इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर इसकी लेंथ रहेगी ड्राइंग के अकॉर्डिंग 18 mm, फिर यहां पर इस कॉलर की लेंथ रहेगी 25 mm, और यहां पर बाय डिफॉल्ट 107 mm, और फिर ओके कर देना है। अब यहां पर हम इसके डायमीटर अप्लाई करेंगे। सिक्सटीन एम एम इसका डायमीटर रहेगा। इसका डायमीटर 8 mm रहेगा फुल डायमीटर, वन साइड 4 mm, फिर यहां पर इस कॉलर का डायमीटर 16 mm रहेगा। फिर यहां पर इसका डायमीटर 12 mm, ये फुल राउंड डायमीटर हमने अप्लाई किए हैं। और आप यहां से इसका हाफ भी कर सकते हैं, 6 mm, फिर यहां पर 8 mm और इसका 4 mm। तो इस तरह से हमने ये स्केच ड्रॉ कर दिया है, फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाना है और रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है और ओके करना है। यहां पे चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। चैम्फर में हमें यहां पर इसकी चैम्फर की साइज अप्लाई करनी है 1 mm, और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब यहां पर देखिए, एक होल विजार्ड का ऑप्शन है, यहां पे एक फीचर मिलेगा आपको, यहां इसके ड्रॉप डाउन में आपको थ्रेड वाला फीचर है, इसे एक्टिवेट करना है। थ्रेड वाले फीचर को एक्टिवेट करने के बाद देखिए, यहां पर फीचर ट्री मैनेजर में ये सारे ऑप्शन यहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन, तो हमें सबसे पहले इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, ये हमारी फर्स्ट लोकेशन है, इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर इसकी फेस, तो इसकी फेस हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थ्रेड। अब यहाँ पर
इसकी ब्लाइंड कितनी लेंथ में हमें ये थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर 68 mm हमें अप्लाई करने हैं, इसकी लेंथ 68 mm रहेगी। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक डाई, यहाँ पर ऑप्शन एक मैट्रिक टैप और मैट्रिक डाई। मैट्रिक डाई आउटर डायमीटर में यूज़ होती है। अगर मैट्रिक टैप यहाँ पे सिलेक्ट है तो आप मैट्रिक डाई कर देना है हमें, क्योंकि मैट्रिक टैप अगर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे थ्रेड अप्लाई नहीं होंगे। तो मैट्रिक डाई हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। और इसके थ्रेड की साइज़ रहेगी 12x1.75 mm। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर इस साइड में हमें बाहर की साइड में थ्रेड अप्लाई कर देने हैं, ताकि यहाँ से इसकी शार्पनेस कुछ अच्छी रहे। तो इसे रिवर्स कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है मेंटेन थ्रेड लेंथ, इसे टिक कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे थ्रेड अप्लाई हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चैम्फर में जाना है। चैम्फर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इसकी साइज़ रहेगी 0.5 mm हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इस वाले आउटर डायमीटर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से स्क्रू हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे या फिर हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है एक, और इसका डायमीटर अप्लाई करना है 3 mm। और यहाँ पर इस सर्कल के मिड पॉइंट से इस लाइन इस सर्कल का मिड पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस रहेगा 5.25 mm। और सिंपली ओके करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर इस होल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल। देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन थ्रू ऑल बोथ, यहाँ पे बोथ साइड में हमें होल थ्रू करना है। थ्रू होल चाहिए हमें बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ पर लॉक पिन हमें लगानी पड़ेगी, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। देखिए इस तरह से ये पार्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर अपीयरेंस अप्लाई करेंगे हम, तो सिंपली अपीयरेंस में जाना है, स्टील सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर कार्बन स्टील को इस पार्ट में अप्लाई कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये स्क्रू तैयार हो गया है हमारा। तो हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है, तो इसे पार्ट 4 के नाम से सेव करेंगे। सिंपली यहाँ पर 3 की जगह 4 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।